ये देखो हम लोग वंडर्स पार्क आ गए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल शेख और आप लोग देख रहे हैं बंटाई डायरीज। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटफट ये रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो। मुझे वर्ल्ड टूर करना बहुत पसंद है लेकिन उसके लिए बहुत टाइम है, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। ये नवी मुंबई का वंडर्स पार्क है। मुंबई में दो वंडर्स पार्क है, एक है मीरा रोड में, दूसरा है नवी मुंबई में। तो पहले मैं आया हूँ नवी मुंबई, यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या है और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, आप लोग देखो एंजॉय करो। वंडर्स पार्क की टिकट है 35 रुपया। यहाँ का सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि ये जो पार्क है ये पूरा दिन ओपन नहीं रहता, ये सिर्फ सुबह 6 बजे ओपन होता है और 12 बजे तक रहता है दोपहर के। फिर दोपहर के बाद ये पार्क बंद हो जाता है, फिर 3 बजे ओपन होता है, रात को 9 बजे तक चलता है। तो ये फर्स्ट यहाँ का ड्रॉबैक है, आप यहाँ पे पूरे दिन की छुट्टी मनाने के लिए नहीं आ सकते। सेकेंड ड्रॉबैक यहाँ पे ये है दोस्तों कि यहाँ पे खाने के लिए इतनी वैरायटीज नहीं होती है, बस एक ही फूड कोर्ट है, उसके अंदर एक दो आइटम्स है थोड़े बहुत, बस ज्यादा यहाँ पे नहीं है। तो ये सेकेंड ड्रॉबैक है। ये पार्क जो है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, बहुत अच्छा पार्क है और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत अलग अलग वैरायटीज है, अलग अलग झूले हैं, तो आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा पार्क बच्चों के खेलने के लिए है, प्लेग्राउंड के हिसाब से बहुत अलग अलग वैरायटीज में बच्चे खेल सकते हैं। तो आप लोग आओ इन्जॉय करो अपने बच्चों के साथ। यहाँ का थर्ड ड्रॉबैक ये है दोस्तों, जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि यहाँ के जो 7 वंडर्स हैं, ये 7 वंडर्स बहुत छोटे छोटे बनाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे। अगर थोड़े बड़े होते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। तो यही कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और बाकी आप लोगों की मर्जी, आओ इंजॉय करो, घूमो फिरो, मस्त रहो। फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया हूँ वंडर्स पार्क में, और सुना था कि यहाँ पे 7 वंडर्स है, तो देख भी लिया। ये 7 वंडर्स तो हैं लेकिन इतने सी बनाए हुए हैं यार, थोड़े बड़े बना देते। चलो कोई बात नहीं, देख लिया, फिर रियल में भी कभी जाके देख लेंगे। वंडर्स पार्क के बाहर गोल्डन स्टैचू मैन तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पे सिल्वर स्टैचू मैन मिला है, उसके साथ एक वीडियोज बनाता हूँ, देख लो।